रुकमा बाई कर लगज की मारा बिरा को मारी याद नहीं आई मारी भावज न राख्यो बिलमाई बैण रुकमा रणा तुनी धार भाई आयो नी मारा द्वार कई महारा बिरा पर गरीबी है की कारण हुए तो बताओ कई सिंगाजी बाबा कही की बहन कोई कारण नहीं है और अगर कोई कारण हो भी तो भगवान जाना ईराना लोग रजपूत लोग कभी कोई बूढ़ी लगी गई होए तो भगवान जाना पर बहन महारा अंदाजा मत तुम्हारा बीच में अगर कभी कोई बात होती तो आज मक राणो लक्ष्मी सिंह अपना जीजा का पास नहीं भेजता और राणा कृष सिंह ने भी यह बात भली भांति जानी गए कि अगर अपना साड़ा का मन में अपना प्रति द्वेष भाव रहता तो जब उनको नौकर बिगड़े तो कहीं हाँ नहीं बेचता जरूर अपना साड़ा साहब का अपना सी एक आस बने जी बहन रुकमा बाई कर समझाव सिंगाजी बाबा अपना विश्राम कक्ष में सोन कर जाए और उसी समय कहल छे कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय बिना जीव की खाल से लोहा भस्म हो जाए जब रुकमा बाई ने कहो कि काई मारा बिराप आई गरीबी न खजीना प पड़ी गयो काल सिंगाजी भाई कहो न पियर का हाल आज तक रुकमा बाई ने ऐसा कटु शब्द नहीं बोलिया था और जैसा शब्द बोलिया तो सती नारी थी उसी समय दगड़ कोट का 300 डाकू दहाड़े थी आवाज और भामगढ़ का चारों तरफ से घेर ले और सारा माल खजिना का लूटी ले और यही दृश्य सिंगाजी बाबा सपना मेटावल नींद में देखी रहा सिंगाजी बाबा 3 बजे रात से खड़ा हो जाए और क्रेसिंग के जगाड़ की महाराज क्रेसिंग जागो क्रेसिंग आवाज की भैया काई बात छे सिंगाजी बाबा कहे अरे भलो भयो बम सारो रे क्रेसिंग भलो रे भयो बम सारो नौ दास लग मन मारो रे क्रेसिंग भलो भयो भमसारो अरे 300 डाकू नल भामगढ़ लूटियो न लई गया धनवु सारो रे क्रेसिंग भलो भयो भमसारो भैया 300 डाकू नल दगड़ कोट का नल भामगढ़ का लूटी लियो तुखे कसी मालम पड़ी क्रेसिंग पूछी रहा सिंगाजी बाबा कह रहा हरे गुरु का प्रताप सी देख्या रे हमने सिंगाजी न बचन उचार्यो अरे सारी सेनात भागी गई रे न खलबल मची गयो सारो क्रेसिंग भलो भयो भमसारो क्रेसिंग कण लगज की भैया हमारा साड़ा साहब के पास तो बहुत बड़ी सेना छे सिंगाजी बाबा कह रहा है कि राणा थारी सेना भागी गई गुरु प्रताप सिंह हमने देखो सिंगाजी ने वचन उचार्यो सारी सेना भागी गई न खलबल मची को सारो रे क्रेसिंग अरे भलो भयो भम सारो सिंगाजी बाबा का प्रताप सिंह तो क्रेसिंग वाकिफ था और क्रेसिंग भी बहुत ज्ञानी पुरुष था वो समझेगा कि सिंगाजी झूठ नहीं बोल रहा सिंगाजी बाबा का जानक की आज्ञा दे सिंगाजी बाबा घुड़सवार में अपनी घोड़ी का घोड़ा का लेना जाए जब तक क्रेसिंग रुकमा बाई के जगाड़े के थारो भाई जाई रो मिली ना रुकमा बाई आवाज करे बिरा करे 12 साल में आयो तू भी आधी रात से जाई रो अरे बिरा काई गलती रे महाराम बिरकाई गलती रे महाराम अरे बिरकाई गलती रे महाराम बिरकाई गलती रे महाराम अरे जन पकड़ी घोड़ी की
लगाम बिरकाई गलती रे मारा। सिंगा जी बाबा घोड़ा पर बैठी न जाने लगे की रुकमा बाई आई ने घोड़ी का पक, लगाम पकड़े जिन पकड़ी घोड़ी की लगाम बिरकाई गलती मारा। बहन थारा में कोई गलती नहीं है पर अभी थारा भाई भाई पे एक गाड़ो भरी ने दुख पड़ो अभी जानो बहुत जरूरी छे। सिंगाजी बाबा का रुकमा भाई कर लगे की बिरा जाई तरह पर मारा भाई का भेज दीजिए। अरे मके सासू ननन बोल मारन कि आसो काम करी ने रुकमा आई कि एक पची पाउनी नहीं बोले। भैया कहां तक जवाब देऊं हूं। अरे मखत यहाँ तक लगन लग तो कि याव मौसर में उड़ो तो दूर की बात पर जब यार रुकमा मरा जब कफल लेने भी कोई भामगढ़ सी मेटावल नहीं आवड़ो को। सिंगा जी बाबा कई अरे आसी काई बोल बोल बहन मारी तू आसी काई बोल बोल अरे जरा तबद न कतोल बहन मारी आसी काई बोल बोल। अरे थारो पूरो परिवार थारो भाई भोजाई भतीजा कुटुंब परिवार सब छे और तू कह रहे कि हम मरूंगा तो कोई कफल लेना होनो को नहीं ऐसा खोटा बोल मत बोल भाई। सिंगा जी बाबा का रुकमा भाई कह की सिंगा जी काई करूं। अरे अगर बन बड़ा तो दुनिया देखा पर यो मन बड़ा होकर कौन देखा। अरे हमारा मन में होली दिवाली बड़ी रही मन हमारा मन का घाव का मन में छुपाई नहीं रहा क्यों आज तक हाँ सबसे हंसी बोली न बात करती रही पर अब यो घाव ना शुरू तो जाई रो। भैया 12 साल में कुन कुन गुजरी गा होएगा कुन कुन नया भाई भतीजा घर मारा घर नया पल्ला झूली गा होएगा मक वो भी खबर नहीं है। अरे आज तो मोबाइल से खबर हो जाए हालचाल पूछी लेवान काई सब्जी बनी काई रोटी बनी पर 12 साल तक रुकमा भाई ना पियर की कोई खबर नहीं मिली। आज का युग मत कब नहाया कब रोटी खाई काई नाश्तो करियो कहा की साड़ी पहनी थी सब एक एक बात फोन पर हालचाल मिली जाए पर रुकमा भाई पर काई बीती होएगा कि 12 साल तक कोई खबर नहीं मिली। सिंगा जी बाबा समझावा की बहन रुकमा तू चिंता मत कर थारा भाई का थारी भोजाई का थारा पूरा परिवार का मेटावल लेना आऊंगा हूं। सिंगा जी बाबा का रुकमा भाई का जी भैया हालचाल अच्छा कहिजे ना आशीर्वाद दीजिए कि थारी बहन को आशीर्वाद छे। सिंगा जी बाबा झट सी मेटावला सी भामगढ़ आवे भामगढ़ का देखे कि होना 300 डाकू ने ना ऐसी गति कर दी थी होगी। सिंगा जी बाबा कण लगा कि अरे निर्दय न हो तुमने भामगढ़ की हालत एक उजड़ेल खेत की तरह कर दी तुमको जरा दया नहीं आई। और सिंगा जी बाबा का राणो लक्ष्मी सिंह देखा तो वो भी कण लगे हम पर कठिन पड़ी है गाय 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 हम पर कठिन पड़ी है गाज हम पर कठिन पड़ी है।
कहे लक्ष्मी सिंह महाराज हम पर कठिन पड़ेगा। लाख रुपया मोरा लेगा सिंघा जी उ लेगा सर को ताज, सत की बांधी लक्ष्मी लेगा उ लेगा सगलो साज, हम पर कठिन पड़ेगा। 300 डाकू वासा आया जसी तीतर पर पड़ी गो बाज, हम पर कठिन पड़ेगा। सिंघा जी बाबा कच की राणा लक्ष्मी सिंह तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सारा धन कहूं ले आऊंगा। लक्ष्मी सिंह कच की भैया अरे हम भी छत्री वंश आए, हमारी सेना भी बड़ी मजबूत थी, पर वो डाकू बहुत निर्दयी था भैया, तू नहीं मत जानतो उनका। अब हमारो माल पछो आउंडियो नहीं है, अरे वो खजानो तो लेगा पर हमारा बाप दादा नहात को जो गड़ेल धन तो उन्हें चाबुक सी मार चले न वो भी उगलाड़ी लियो और वो कभी लेगा। सत की बांधी लक्ष्मी लेगा अरे वो लेगा सगलो सहाय, हम पर कठिन पड़ी हैगा। सिंघा जी बाबा राणा लक्ष्मी सिंह का धीरज बंधाव और अपना गुरु का नाम सी डाकू ने की खोज में निकल और गुरु जी का कह कि पूरो रे भरोसो तुम्हारो गुरु जी मख, पूरो रे भरोसो तुम्हारो न सुमरूंगा सांझ सवेरो गुरु जी मख, पूरो रे भरोसो तुम्हारो। अरे भाम गढ़ को भूमियों रे लुटायो नाप जस देग जग सहारो, अब की बेरा मारा गुरुजी उबारो न भूलूंगा नहीं जस तुम्हारो गुरुजी मख, पूरो रे भरोसो तुम्हारो। एक आस विश्वास भरोसो भारी बड़ा बिकट ये घाट, गुरु बिन कौन बतावे वाट। आज गुरुजी का विश्वास पर सिंघा जी बाबा डाकू ने की खोज में जाएगा। स्याणी घोड़ी पर झीण कसीरे न दक्षण दिशा पर सिंदारू, अरे पीपलोद में जाई ना पतो लग्यो रे नदी ना डूब अंधियारो गुरुजी महाराज, पूरो रे भरोसो तुम्हारो। पिपलोद मा पिपलोद कभी लुटी थी जो राणा जी की पिपलोद कवान वो कभी उन्हें लुटी थी, वहां जाई ने पतो लग्यो कि भैया वो भाम नदी तरफ गए। दिन डूबन लगो पिपलोद का लोग कहे कि भैया हमारा पूरा गांव से डाकू रुकिया नहीं और तू अकेलो क्यों मरने के जातो होएगा। सिंघा जी बाबा कह की मारनो मरनो तो भगवान का हाथ में छे, तुम हमके सिर्फ पतो बताओ डाकू कले गए। और सिंघा जी बाबा दक्षिण दिशा में फिर जाए, अरे भाम किनार जल रे अखेटी न दूर सी देखियो उजाड़ो, अरे उतरिया बाघेण सी भूमि पग धार्यो न जहां तस कर को डेरो गुरुजी महाराज, पूरो रे भरोसो तुम्हारो। सिंघा जी बाबा ने देखा कि बहम नदी का किनार पर डाकू ने न अपनो डेरो डाले तो सिंघा जी बाबा घोड़ी पर से नीचे उतरे और तीन परकम्मा लगाई और गुरुदेव को सुमरण करी न जल का छीटा मारा कि 300 डाकू ने की आंख नांदी कर दी। अब डाकू कर लगया कि आई को जान जुगारो भूमिया को आई को जान जुगारो, वचन लगे जी को प्यारो आज कोई आई को जान जुगारो, तुम का हमने कहो तो कि राणा लक्ष्मी सिंह पास एक सिंघा जी संत जी सामर्थ जी जो बड़ो जादू की रो जी, पर तुमने नहीं मानी। डाकू भी कर लगे कह रहे 600 नयन सुजा दिन देना भादव मास अंधियारो, अरे सुल पानी सर शिव का मनावा न विनती करी करी हारो आई गो जान जुगारो। दिर्सिंग कण लगे कि भैया तुम सिंघा जी कह रहा सिंघा जी कूड़ा है, अरे बड़ा बड़ा योदा हमने हणिया यो भूमियो कुण बेचारो ये गुणवंता कहा रे छुपाया न बिना शस्त्र सी मारो आज आई गो जान जुगारो। बड़ा बड़ा योद्धा न सी युद्ध करे हमने भी
परासो योद्धा नहीं मिलियो कि जेना बिना शस्त्र से अपूर्ण का हराई दिया। डाकू कण लगे कि भैया तुम कोई भी वे सामना आई जाओ, तुम्हारो माल ले जाओ, हम देने को तैयार जे, पर हमारी आग में अच्छी कर दो। सिंगाजी बाबा कही भैया माल तो जहां से लाया वहां धरनू पड़ेगा। अरे सिंगाजी हम जावा कसा, हम तो अंधा हो गए। सिंगाजी बाबा का एक हाथ से माल की पोकलाई का पकड़ो, दूसरा हाथ से एक दूसरा का कमीज का पकड़ो और लाइन लगे लो और एक जोड़ घोड़ी की छमटी का पकड़ो। सिंगाजी बाबा ने 300 डाकू ने की लाइन लगी दी और वापस भांगड़ ले आओ। जय हो। आज पिपलोत का, जसवाड़ी का और भामगढ़ का लोग खुशी मने रहा कि धन धरने सिंगाजी सुरा, तूने हमारा धन का वापस ले आया। गांव का लोग लठन निकाला, भला बर्छी निकाला कि आज इनके छोड़ना का नहीं। सिंगाजी बाबा कह कि भैया आज वो अंधा होगा तो तुम लठन तलवार ना निकाल रहा, कल तुमने कहीं देखियो तो इनका कोई हाथ नहीं लगाओगा। सिंगाजी बाबा ने सारो माल रखाड़ियो, उनका वापस नदी का किनार पर लावे और नदी की किनार पर लाई ने कह कि भैया अब तुम गुरुदेव का नाव से डुबकी लगाई लेओ और अपना आंकने का जल का छीटा मारो, गुरु महाराज की कृपा होएगा, तुम्हारी आंख में खुली जाएगी। 300 डाकू नदी में डुबकी लगावे और गुरुदेव को ध्यान करे, भगवान को ध्यान करे और सिंगाजी बाबा भी अपना गुरु महाराज के कहे गुरुदेव इनकी आंख में वापस कर दो। और उसी समय सिंगाजी ने संकल्प करता की साथ में 300 डाकू न की आंख में जोत वापस आई जाए। जय हो। आग खुलते के साथ 298 तो भागेगा पर दुई रहेगा हरसिंह बिरसिंह और वो गुरुदेव की शरण में आएगा, क्योंकि उनके इन्हीं बात को ज्ञान हुईगो कि ये कोई महापुरुष है। वो सिंगाजी बाबा के कह की गुरुदेव हमको कोई ज्ञान की बात बता दियो, आज तक हमने बहुत डाका डालिया, बहुत अनीति करी, पर कोई ऐसा शब्द बता दियो कि हमारा अंदर घर करी जाए। सिंगाजी बाबा कह ये संसार असार है, कोई बह जो मती भाई, अरे ये संसार असार है, कोई बह जो मती भाई, ये संसार असार है, झूठी कंचन का मणि, झूठी सब काया, झूठी कंचन कामणी, अरे झूठी सब काया, गई रजनी सो बीत गई, ते सो अंधियारा, ये संसार असार है, अरे कोई बहजो मती भाई, ये संसार असार है। शब्द सिंगाजी बाबा का एक तीर की तरह निकला जो हरसिंह बिरसिंह का कलिजा में लगा। हरसिंह बिरसिंह कह की बाबा आप हमको गुरु नाम दे। सिंगाजी बाबा कह की भैया गुरु नाम तो अभी मन भी नहीं लियो रे, तुमको गुरु नाम कहां से दूं। हरसिंह बिरसिंह अपना जेब से एक मणि निकाला और कह की बाबा यह हमारा तरफ से तुम भेंट ले लियो, या राजा की नहीं आई, राजा को माल दाम दे आया, यह तो हमारी खुद की कमाई की आए। सिंगाजी बाबा कच की आ रही राम हरसिंह बिरसिंह न हो, हीरो हिरद हरि को नाम, अरे हिरदो हीरो हिरद हरि को नाम। भैया अगर धन चाहिए तुमको, तुम्हारा घट मो तुम्हारा हृदय में भगवान को नाम ले लो, ये खासी बड़ो धन कहीं नहीं। अरे मकनई दौलत सी काम, हीरो हृदय हरी को नाम, अरे हीरा मोती लाल जवारत, ये माया का फंदा रे, अरे या ठगनी न कई घर ठगिया, अरे क्या शुभ और क्या साम, हीरो हृदय हरि को नाम, अरे मख नहीं दौलत सिका, हीरो हृदय हरि को नाम। अपना हृदय में भगवान का नाम को इस प्रकार जप करो,
कि भगवान भी तुम्हारा पाछे पाछे चले। कहाँ की भक्ति, वाह भक्ति देखी महिमा दास कबीर कहेगा, कबीरा मन निर्मल भयो, कबीरा मन निर्मल भयो, हर जो गंगा कोनी, अब हरि मेरे पीछे फिरे, कहेत कबीर कबीर। वाह भक्ति करो कि तुम्हारो मन गंगा का पानी की तरह निर्मल हो जाए, कि तीरथ व्रत सब करो फिर थे सर, अन झूठो भयो अज्ञान रे, तीरथ व्रत सब करो फिर थे सर, अरे झूठो भयो अज्ञान रे, साचा तीरथ का संत मारो परखे, आर्य जन पायो सामरत ज्ञान, हीरो हृदय हरे कोना, हरे मग नहीं दौलत सीका, हीरो हृदय हरे कोना। सिंघा जी बाबा की ऐसी बात सुनत की अब तो हिरसिंह निरसिंह न कर काटत खून निकल की, अरे बाबा हमने तो हमारा जीवन को व्यर्थ गवाई दियो, यो मनुष्य जन्म पछो पावनो नहीं आवनो को, संत कई सुमरण करी ले सार, मना भाई सुमरण करी ले सार, अरे यो जन्म नहीं आवे दूजी बार, समझ मन सुमरण करी ले सार, लग 84 भटकी न आयो, भटक्यो कई अवतार, अरे पूर्व जन्म का पुण्य लड़िया, तुक मिली गो मनुष्य अवतार, समझ मन सुमरण करी ले सार, काया काची को पिंड बनायो, महिमा आती अपार, अरे पांव पलक की खबर नहीं, यहाँ लटकन लागी वो बाहर, समझ मन सुमरण करी ले सार, थारो जन्म नहीं आवे दूजी बार, समझ मन सुमरण करी ले सार, सुई को नाको भाला की आनी, जसी खाना की धार, अरे वही सास पर भजन करो, जसो मकड़ी को तार, समझ मन सुमरण करी ले सार, थारो जन्म नहीं आवे दूजी बार, समझ मन सुमरण करी ले सार, अरे वही सास पर नाम पुराओ 621,000, इस विधि से तुम भजन करो, तुके मिलेगा श्री करतार, समझ मन सुमरण करी ले सार, थारो जन्म नहीं आवे दूजी बार, समझ मन सुमरण करी ले सार। अब हिरसिंह दिरसिंह कच की बाबा, अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारा घर, हमारी पत्नी जो छे सोना रानी, वो ने एक प्रार्थना भेजी और वो ने कहो तो कि अरे राणा न हो, तुम लूट मार तो बहुत कर रहा, धन तो तुमने बहुत इकट्ठो करे, पर कभी कोई संत मिली जाए, कोई देव पुरुष मिली जाए तो वो का अपना दिल की बात बता दीजियो। काई हीर सिंह धीर सिंह दुई भाई, स्वामी अरे जी सुन जो हमारी, पुत्र ही नहीं वंश हमारा, आगे मर्जी तुम्हारी, हीर सिंह धीर सिंह दुई भाई, स्वामी अर्जी सुन जो हमारी, पुत्र ही नहीं आई कह रहा हिर सिंह धीर सिंह की बाबा, तुम्हारी बात में से हमारा अंदर तो विराग्य हुई गो, पर सोना रानी ने कहे कि कोई संत को बता दीजो, और जब तक तुम संत के दुख नहीं बताओगे तुम्हारा दुख को निवारण होएगा कसो, क्योंकि राजा दशरथ भी गुरु का पास गया और उनको बताया कि गुरुदेव हमारा यहाँ संतान है, और यही बात आज हिर सिंह धीर सिंह भी कह रहा, हीर सिंह धीर सिंह दुई भाई, स्वामी अरजी सुन जो हमारी, पुत्र ही नहीं वंश हमारा, आगे मर्जी तुम्हारी। बाबा हम ये नहीं कहता कि तुमको देनु ही पड़ेगा, पर कभी तुम्हारी मर्जी हुई जाए तो हमारा यहाँ भी पालनो झूली जाए, अरे कहीं यतन तो हमने किए, नियम ही कहीं कराए, सारे नियम तो निष्फल हो गए, कछु काम नहीं आए, अरे बहुत उपवास करे हमने भी, सुलपाणेश्वर शिव कभी बहुत मनायो,
बिल पत्र भी चढ़ाया, हम बिल पत्र की कोई तोहिन नहीं कर रहा, पर हिरसिंह दिरसिंह कह रहा है कि बाबा हमने बहुत नियम करे आए। कई नियम तो हमने किए, कहीं यतन तो कराए, सारे यतन तो निष्फल हो गए, कछु काम नहीं आए। फिर अरे सोना रानी ने कह कर भेजा, कोई संत को दुख ये बता देना, प्रेम प्रसादी दे तुमको उसे अपने हृदय से लगा लेना। हिरसिंह दिरसिंह कह रहा है कि महाराज सोना रानी ने कह कर भेजा, सोना रानी ने कह कर भेजा, कोई संत को दुख ये बता देना, प्रेम प्रसादी दे तुमको उसे अपने हृदय से लगा लेना। सिंगाजी बाबा की अंतरात्मा के ये नहीं बात लगी जाए कि भैया हो तुम बहुत करुण भाव से कह रहा, पण क्या हो कर्म कब हुन छूटे, अरे जन्म जन्म बैरी हुई लूटे। फिर कही हार गए गुरुवर हम तो, हार गए अब गुरुवर हम तो, अब तेरा ही सहारा है, चारों तरफ तो भव जल दिखता, गुरु चरण ही किनारा। चारों तरफ भव सागर को भव रूपी जल छे, अगर कोई सहारो छे तो गुरु चरण ही किनारा है। सिंगाजी बाबा अपना कंबल मसी एक धागो निकाल और कह, राजा रानी सब कुछ भाई, अरे सुनो यो लग संसार है, दुख का भार के हर मारा गुरु जी वो को ही अवतार है, अरे लोट मार तुम बंद करो, आन बंद करो पीर पराई रे, वैग कृपा गुरुदेव की थे काम पूर्ण कर साई रे। लूट मार तुम बंद करो, बंद करो पीर पराई, वैग कृपा गुरुदेव की तो कृपा करेगा गुरु साई रे। सिंगाजी बाबा उनको धागो दे और कह कि रानी सोना का बांध दीजो, और कह जी दो कि एक टाइम भोजन कर, भूमि पर शयन कर, और सुबह शाम गुरु जी का नाम की वंदना कर, घी को दीपक जलाओ, गुरु महाराज की कृपा होएगा और नौवा महीने तुम्हारा घर संतान होएगा। सिंगाजी वापस आवाज भामगढ़ का राजा लक्ष्मी सिंह का प्रणाम कर कि राजा अब मख गुरु की शरण में जान दो। अब लक्ष्मी सिंह भी हाथ जोड़ी ने प्रार्थना करज की धन सेरे सुरा, तूने हमारा सारा धन को वापस कर दियो, अब तू काई कवा, अरे थारा तो हम ऋणी हुईगा। सिंगा जी तू कह रो कि मैंने तुम्हारा नमक खायो, पर भैया आज तूने हमारी दर पीढ़ी के कर्जा में डुबई दी। सिंगा जी बाबा प्रणाम करी ने गुरु की शरण में आवण, और गुरु की शरण में गुरु का शब्द का ध्यान करता हुआ भामगढ़ सी हर्षद आवाज और हर्षद सी परिवार का कहीं न गुरुदेव का आश्रम की ओर रवाना हो जाए, और आश्रम का ओर रवाना हुई ना गुरुदेव का चरण में बैठी ना गुरुदेव सी प्रार्थना करज की गुरुदेव अरे मैंने नौकरी को त्याग कर आयो, आप तुम को उपदेश दे। गुरु महाराज आंख लगे न बठेल छे, आंख नहीं खोली रहा। सिंगाजी बाबा बार बार कह रहा है कि गुरुदेव सदा शरण सुख पाहूं, गुरु जी हूं सदा शरण सुख पाहूं, अरे भवरी जल में नहीं
आऊं गुरु जी हूं सदा हो शरण सुख पा हरि निद्रा आहार कत जुम्हारा साम्रत नमूर्ति मसूरती लगाऊं हरे रेन दिवस 621,000 ननी सफल कनी खो गुरु जी हूँ सदा हो शरण सुख पा हरे तजो परिवार न छोड़ी जा करी न मैं तो तुम्हारो कवाऊं तजो परिवार छोड़ी चाकरी और मैं तो तुम्हारो कवाऊं जैसो पपयो अखंड धुन रटतो ऐसो शब्द सुनाऊं गुरु जी हूं सदा शरण सुख पाऊं अरे काम क्रोध मोह कटाऊं इनकी नींव कढ़ाऊं अरे माया की बेड़ी क तोड़ूं हरा साम्रत न कुण मुख गुण हूं गाऊं गुरु जी हूं सदा शरण सुख पाऊं आज गुरु महाराज की वाणी का याद करे और सिंगा जी बाबा मगर हो जाए जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारी वाणी मारा अंदर घर करी गई कहा की समझी ले रे मना भाई अंत न होए कोई अपना जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारी वाणी में जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारी वाणी में जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारी वाणी में जाने गुरु ज्ञान को तब हर दया
कोई चाहे गुरुदेव तुम्हारी वाणी।